बताना मुश्किल है कि ये क्या चीज है। यहाँ बहुत सारे विस्फोट नहीं आ रहा है, लगता है ये कोई एलियन अटैक है। आकाश में लाल पीली सी लाइट। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हॉलीवुड की टॉप 20 एलियन मूवीज की लिस्ट, जो आप में से बहुत कम लोगों ने देखी होगी। और क्योंकि ये टॉप 20 की लिस्ट है, इसलिए मैं जल्द से जल्द इन मूवीज के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो तैयार हो जाइए इन खतरनाक एलियन से मिलने के लिए। मेरा नाम है सूरज और मैं ले चलता हूँ आपको हॉलीवुड की टॉप 20 एलियन मूवीज की दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी टेंशन के। नंबर 20 एलियन वर्सेस प्रीडेटर। ये मूवी रिलीज की गई थी 2004 में और ये मूवी बेस्ड है साईफाई और एक्शन पर। इस मूवी के टोटल दो पार्ट आ चुके हैं अब तक, एलियन वर्सेस प्रीडेटर और एलियन वर्सेस प्रीडेटर रिक्वायम। दोनों ही पार्ट की बात करें तो दोनों ही पार्ट अच्छे हैं और इस मूवी में प्रीडेटर और एलियंस के बीच लड़ाई दिखाई गई है। और इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.6 की रेटिंग, तो देखना जरूर। नंबर 19 बैटलशिप। ये मूवी रिलीज की गई थी 2012 में और ये मूवी बेस्ड है साइफर एक्शन पर। और इस मूवी में एलियन और इंसानों के बीच लड़ाई दिखाई गई है, जो कि होती है एक खुले समंदर में। ये सब कैसे और कब होता है, ये सब देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.8 की रेटिंग। नंबर 18 ब्राइटबर्न। ये मूवी रिलीज की गई थी 2019 में। ये मूवी बेस्ड है हॉरर थ्रिलर पर। स्टोरी यह है कि अर्थ पर एक स्पेसशिप गिरता है, जो कि एक हस्बैंड और वाइफ को मिलता है, जिसमें होता है एक बच्चा और वो बच्चा होता है एक एलियन। और वे दोनों उस बच्चे को पाल लेते हैं और जब वो बड़ा हो जाता है, वो अपनी सुपर पावर से सबको मारना शुरू कर देता है। बहुत ही अच्छी फिल्म है, देखना जरूर। और इस मूवी का IMDb पर मिला है 10.1 की रेटिंग। नंबर 17 प्रीडेटर्स। ये मूवी रिलीज की गई थी 2010 में। ये मूवी बेस्ड है साइफर एक्शन पर। इस मूवी के टोटल चार पार्ट आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। पहले दो पार्ट 90s में आ गए थे और ये पार्ट 2010 में, और फोर्थ पार्ट 2018 में आ गया था द प्रीडेटर के नाम से। मूवी में प्रीडेटर नाम का एक एलियन होता है, जो कि अर्थ पर आता है इंसानों को मारने के लिए। बाकी की स्टोरी देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और इस मूवी के IMDb पर मिला है 10.6 की रेटिंग। नंबर 16 लाइफ। ये मूवी रिलीज की गई है 2017 में। ये मूवी बेस्ड है साइफाई हॉरर पर। और इस मूवी में कुछ एस्ट्रोनॉइट दिखाए गए हैं, जो कि मार्स पर जाते हैं एलियन के होने का सबूत ढूंढने, और उन्हें मिल भी जाता है और वो अपने स्पेसशिप पर वापस ले जाता है उस सबूत को। और मुसीबत वहीं से शुरू हो जाती है जब वो एलियन बड़ा हो जाता है और उन सबको एक एक करके मारना शुरू कर देता है। बहुत ही अच्छी मूवी है, तो देखना जरूर। और इस मूवी को IMDb पर मिला है 10.6 की रेटिंग। नंबर 15 वेनम। ये मूवी रिलीज की गई थी 2018 में। ये मूवी बेस्ड एक्शन साईफाई पर। इस मूवी में कुछ एस्ट्रॉयड अर्थ पर आकर गिरते हैं, जिसमें होते हैं एलियंस, जो कि इंसानों के अंदर घुसकर उन्हें मार सकते हैं। और बाकी की स्टोरी देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और इस मूवी को IMDb पर मिला है 10.6 की रेटिंग, तो देखना जरूर। नंबर 14 एनिहिलेशन। ये मूवी रिलीज की गई थी 2018 में। ये मूवी बेस्ड साईफाई एडवेंचर पर। दोस्तों, ये मूवी आपको सिर्फ इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी। इसमें भी एलियन इनकाउंटर के बारे में देखने को मिलेगा आप सभी को, तो देखना जरूर। और इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10.6 की रेटिंग। नंबर 13 पैसिफिक रिम। ये मूवी रिलीज की गई थी 2013 में। ये मूवी बेस्ड है साईफाई एक्शन पर। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी एक्शन लाजवाब है। जिसने ये मूवी नहीं देखी तो अभी देखिए, ये एक लाजवाब मूवी है। और इसके टोटल दो पार्ट है, सेकंड पार्ट 2018 में आ गया था इसका। और इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10.6 की रेटिंग। नंबर 12 द वर्ड्स एंड। ये मूवी रिलीज की गई थी 2013 में और ये मूवी बेस्ड कॉमेडी एडवेंचर पर। और इस मूवी की स्टोरी में दिखाया गया है कि कुछ फ्रेंड मिलकर अपने अधूरे काम पूरे करने निकल पड़ते हैं और जल्द ही उन्हें पता चलता है कि शहर में लोग एलियन बन चुके हैं, उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी की स्टोरी देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10.0 की रेटिंग। नंबर 11 पॉल। ये मूवी रिलीज की गई थी 2011 में। ये मूवी बेस्ड है कॉमेडी और साईफाई पर। इस मूवी में दो फ्रेंड दिखाए गए हैं, जो कि रोड ट्रिप पर निकलते हैं, एरिया 51 पर घूमने निकलते हैं, और उन्हें वहां पर मिलता है एक एलियन। बाकी की स्टोरी देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और इस मूवी को IMDb पर मिला है 10.7 की रेटिंग। नंबर 10 सुपर 8। ये मूवी रिलीज की गई थी 2011 में और ये मूवी बेस्ड है साईफाई थ्रिलर पर। इस मूवी में दिखाया गया है कि कुछ बच्चों का ग्रुप होता है, जो कि रेलवे ट्रैक के पास मूवी शूटिंग करने, तभी वहां पर एक ट्रेन एक्सीडेंट होता है, जो कि एलियंस के द्वारा किया जाता है। बाकी की स्टोरी देखने के लिए आपको ऑफ कोर्स मूवी देखनी पड़ेगी, तो देखना जरूर। और इस मूवी IMDb पर मिला है 10.7 की रेटिंग। नंबर 9 क्रॉनिकल। ये मूवी रिलीज की गई थी 2011 में और ये मूवी बेस्ड है साइफर थ्रिलर पर। इस मूवी में तीन फ्रेंड होते हैं, जो कि घूमते रहते हैं, और एक दिन उन्हें मिलती है एक अजीब सी चीज, जिसे छूते ही उन तीनों के अंदर सुपर पावर्स आ जाती है। फिर वे उन पावर्स का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बाकी की स्टोरी देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। बहुत ही लाजवाब मूवी है। और इस मूवी को IMDb पर मिला है 10.0 की रेटिंग।
नंबर 8 क्लोवरफील्ड, ये मूवी रिलीज की गई थी 2008 में। ये मूवी बेस्ड है साइबर थ्रिलर पर। इस मूवी के टोटल 3 पार्ट आ चुके हैं अब तक, क्लोवरफील्ड 10, क्लोवरफील्ड लैंड जो कि 2016 में आ गया था, और थर्ड पार्ट द क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स जो कि 2018 में आ गया था। और इस मूवी का IMDb में मिला 10.0 की रेटिंग। नंबर 7 प्रोमेथियस, ये मूवी रिलीज की गई थी 2012 में। ये मूवी बेस्ड है साइबर थ्रिलर पर, और इस मूवी की फ्रेंचाइजी आ गई थी 90s में एलियन के नाम से। और इस मूवी का सेकंड पार्ट जो कि 2017 में आ चुका था एलियन कोवेनेंट के नाम से। आपको पहले ये पार्ट देखना पड़ेगा, तब जाके आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। और इस मूवी का IMDb पर मिला है 10.0 की रेटिंग। नंबर 6 ओब्लिवियन, ये मूवी रिलीज की गई थी 2013 में, और ये मूवी बेस्ड साइफाई एक्शन पर। इस मूवी में एलियन और ह्यूमन के वार के चलते अर्थ तबाह हो जाता है, और कुछ लोग सरवाइव कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं। बाकी की स्टोरी देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और इस मूवी को IMDb पर मिला है 10.0 की रेटिंग। नंबर 5 अ क्वाइट प्लेस, ये मूवी रिलीज की गई थी 2018 में। ये मूवी बेस्ड है हॉरर साइफाई पर। ये मूवी एक लाजवाब मूवी जो कि आप में से बहुत से लोगों ने देखी होगी। इस मूवी का सेकंड पार्ट इस साल मार्च 22 को रिलीज किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते ऐसा नहीं हो पाया। और इस मूवी को IMDb पर मिला है 10.5 की रेटिंग। नंबर 4 डिस्ट्रिक्ट 9, ये मूवी रिलीज की गई थी 2009 में। ये मूवी बेस्ड है साइबर एक्शन पर। इस मूवी में कुछ एलियन अर्थ पर सर्वाइव करते दिखाए गए हैं, जिनका गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, और वे ऐसा क्यों करती है ये सब देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और इस मूवी का IMDb मिला है 10.9 की रेटिंग। नंबर 3 अराइवल, ये मूवी रिलीज की गई थी 2016 में। ये मूवी बेस्ड है साइफर थ्रिलर पर। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक एलियन स्पेसशिप अर्थ पर आता है, और कुछ लोग मिलकर उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, उनकी भाषा को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि वे ये पता लगा पाए आखिर वे अर्थ पर क्यों आए हैं और उनका मकसद क्या है। और इस मूवी को IMDb पर मिला है 10.9 की रेटिंग। नंबर 2 स्टार ट्रैक, ये मूवी रिलीज की गई थी 2019 में। ये मूवी बेस्ड है साइबर थ्रिलर पर। इस मूवी में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और इस मूवी के टोटल 3 पार्ट है, स्टार ट्रैक 1, स्टार ट्रैक बियॉन्ड, स्टार ट्रैक इनटू डार्कनेस। तीनों ही पार्ट लाजवाब है, और इस मूवी को IMDb पर मिली है 10.9 की रेटिंग। नंबर 1 एज ऑफ टुमारो, ये मूवी रिलीज की गई थी 2014 में। ये मूवी बेस्ड है साइफाई एक्शन पर। इस मूवी में दिखाया गया है कि एलियन अर्थ पर हमला कर देते हैं, और उनको मिलकर रोकते हैं टॉम क्रूज और एमिली ब्लंट और उनकी टीम। क्या वे ऐसा कर पाएंगे, क्या वे एलियन से पृथ्वी को बचा पाएंगे, ये सब देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और इस मूवी को IMDb पर मिला है 10.9 की रेटिंग।